आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, इसी देश की पुलिस ने देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है, कानून अपना काम कर रहा है, कांग्रेस ने वही किया जिसमें वह सक्षम है। कांग्रेस ने एक बार फिर भारत पर हमला किया है और पाकिस्तान का पक्ष लिया है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने इस मामले में धर्म को घुसाया, हिंदू आतंकवाद का शब्द भी कांग्रेस ने ही इजाद किया था। पूरे इस प्रकरण के पश्चात कांग्रेस ने वही किया है जिसमें कांग्रेस सक्षम है, जिसमें कांग्रेस निपुण है, जिसमें कांग्रेस पारंगत है, और वह है भारत के ऊपर हमला और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश। इस पूरे प्रक्रिया में कांग्रेस ने तुरंत आओ देखा न ताओ अधीर रंजन चौधरी ने मिनटों के अंदर धर्म ढूंढ लिया। आतंकवाद के ऊपर धर्म की राजनीति करना यह सदैव से कांग्रेस का तरीका रहा है। कांग्रेस हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास कर रही है और भारत को हिंदुओं से खतरा बता रही है। वाटला हाउस एनकाउंटर को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़े होते रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ राहुल गांधी खड़े होते रहे हैं, कांग्रेस की ओर से इस मसले पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस अलग अलग सवाल कर रही है। क्या कांग्रेस को इस बात पर शक है कि पुलवामा हमला आतंकी पाकिस्तान ने नहीं किया था? अगर उन्हें संयम है तो देश के सामने कहें। पुलवामा अटैक को फिर से जीवित किया जाए, उसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए, किसने किया है ये पुलवामा अटैक? कांग्रेस पार्टी, मिसेस सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आई एम आस्किंग यू ऑन द कैमरा, Do you have any doubt as to who were the perpetrators of the Pulwama attack? क्या किसी प्रकार का संशय है आपके मन में, किसने आतंकवादी हमला भारत पे किया था, किसने पुलवामा हमला किया था? इसमें रत्ती भर का भी आपके मन में, आपके मस्तिष्क में, आपके हृदय में संशय है क्या? I challenge the Congress party and I challenge the Congress president today. If she doubts as far as the perpetrators of the Pulwama attack is concerned, she should come on the camera and she should declare so. संबित पात्रा बोले कि कांग्रेस को ऐलान करना चाहिए कि उन्हें देश की सेना पर विश्वास नहीं है। कांग्रेस और पाकिस्तान में कुछ तो रिश्ता है जो बार बार वे उसी की भाषा बोलती है। कांग्रेस की ओर से नए आर्मी चीफ पर तंज कसे जा रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि कुछ ही देर में पाकिस्तान कांग्रेस के नेताओं का बयान लेकर संयुक्त राष्ट्र चला जाएगा और भारत पर निशाना साधेगा। देश के सामने सवाल है कि ये अजगर कौन है जो अपने देश, अपनी मां को निगल जाना चाहते हैं। सेना के सूत्रों के मुताबिक पिछले 48 घंटों में हुई भारी बर्फबारी के कारण उत्तरी कश्मीर में कई जगह हिमस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें 3 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है जबकि एक अभी भी लापता है। सेना के सूत्रों के मुताबिक हिमस्खलन में फंसे कई जवानों को बचाया भी गया है। इसके अलावा मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के सोनमर्ग के गगनेरे क्षेत्र के पास कुलान गांव में हिमस्खलन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई और कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालांकि सेना ने इस इलाके में भी अपना बचाव अभियान शुरू कर दिया है। यह इलाका श्रीनगर से सड़क से कटा हुआ है, यही कारण है कि बचाव दल को यहां पैदल ही पहुंचना पड़ा है। कुछ दिन पहले 7 जनवरी को जम्मू और कश्मीर में LOC के पास पुंछ जिले में हिमस्खलन हुआ था जिसमें सेना के एक पोर्टर की मौत हो गई थी, वहीं 3 अन्य पोर्टर घायल हो गए थे। पुंछ जिले में 7 जनवरी की रात बर्फीला तूफान आया था, इस दौरान पोस्ट पर तैनात पोर्टर इसकी चपेट में आ गए थे। नए सेना प्रमुख ने POK को लेकर कहा कि सरकार कहे तो पाक अधिकृत कश्मीर पर सेना एक्शन ले सकती है। इसी बयान को लेकर अब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक की प्रतिक्रिया आई है। नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनका तो जज्बा यही है, इनको ये बोलना गलत नहीं है, पर सरकार इस बात पर निश्चित तौर से गौर करेगी। पिछले दिनों सेना प्रमुख का पद संभालने के बाद आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे ने मीडिया को संबोधित करते हुए संसद में हुए प्रस्ताव का हवाला देते हुए कहा कि पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन है कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है, अस्थाई जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है। अगर पार्लियामेंट यह चाहता है कि वो इलाका कभी हमारा हो, ऐसा कोई आदेश मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी।
पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री भी संसद में साफ कर चुके हैं कि वो भारत का हिस्सा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से ही पाक अधिकृत कश्मीर पर एक्शन लेने की चर्चाएं आम हैं। सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के रेवेरा टाउन स्थित घर पर एक धमकी भरा पत्र पहुंचते ही हड़कंप मच गया। पत्र जिस लिफाफे में आया उस लिफाफे में जो रसायन मिला है वह संदिग्ध है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के मुताबिक लिफाफे में एक चिट्ठी थी जो उर्दू में लिखी हुई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का फोटो बना है जिस पर क्रॉस बना हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी मुझे कई धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं जिसकी शिकायत मैंने पुलिस से की है, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। जो पत्र है उर्दू में है और उसके साथ काफ़ी कुछ पत्र लगे हुए हैं, तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी और अजीत जी डोभाल, कश्मीर के राज्यपाल जी, मेरा सबके फोटो क्रॉस लगा है और उसमें कुछ पदार्थ आया है जो पाउच में है और उसमें की अंदर एक और पाउच है, ऐसे दो डबल पाउच है, उसमें कुछ है जो कि खतरनाक है। उसको जरा सा खोलते पत्र खोला तो उसी समय इंचिंग होने लगी, तो मैंने तत्काल पुलिस को कॉल किया। पुलिस आई, पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है, फोन कॉल्स भी आते हैं, उसकी भी जानकारी दी है, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। अभी तो ये पदार्थ भी आ गया, ये बहुत खतरनाक है। सांसद प्रज्ञा के पास पहुंचे लिफाफे में उर्दू में लिखी जो चिट्ठी मिली है उसमें गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी है। उसमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद व अन्य आतंकियों के फोटो भी बने हुए हैं। डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि अक्टूबर माह में एक लिफाफा उनको मिला था, वह घर में पड़ा रहा था, जिसको खोला गया तो उसमें एक पत्र मिला है, साथ ही एक मार्कशीट, प्रोविडेंट फंड का एक कार्ड भी लिफाफे में था। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने बताया कि जब लिफाफा खुला तो उसमें मौजूद रसायन की वजह से हाथ में खुजली होने लगी। मुझे जान से मारने की कोशिश करने का काम राष्ट्रद्रोहियों का है। मोदी शाह योगी को मारने की बात करने वाला एक बार मेरे सामने आ जाए, हमें हथियार बारूद की जरूरत नहीं पड़ती, हम खुद उनके लिए चलती फिरती मौत हैं। पिछले दिनों गुना के सांसद केपी यादव ने एक भाषण के दौरान श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया को गुलाम कहा था। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि उन्होंने मुझे गुलाम नहीं चमचा कहा है, इसमें क्या दिक्कत है? अगर मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूँ तो क्या गलत है? कल तक डॉक्टर केपी यादव स्वयं सिंधिया के वाहन के पीछे नहीं दौड़ते थे क्या? यदि उन्होंने मुझे टिकट दिया, मेरा जीवन सवारा, मुझे कैबिनेट मंत्री बनाया, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े व्यक्ति का चमचा हूँ और जीवन पर्याय रहूँगा। मैं तो कहता हूँ कि आप मुझे कढ़ाई भी दें, चमचा कढ़ाई दोनों इकट्ठा कर दो, चमचा हूँ तो हूँ, जीवन भर रहूँगा, अंतिम सांस तक रहूँगा, राजनीति छोड़ दूंगा परंतु महाराज सिंधिया को नहीं छोड़ूंगा। मेरे को इस बात का गर्व है कि अगर मैं महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया का चमचा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? कल तक क्या केपी यादव चमचा नहीं थे क्या? महाराज की गाड़ी के पीछे नहीं दौड़ते थे क्या? इसमें कौन सी बात है? मुझे महाराज ने टिकट दिया, मेरा जीवन में संवारा, मुझे मंत्री पद कैबिनेट का बनाया, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि इतने बड़े कद के व्यक्ति का मैं चमचा अगर हूँ। मैं तो चाहूंगा कि आप मुझे कढ़ाई भी दे दो, चमचा कढ़ाई इकट्ठी कर दो पूरी, तो हूँ तो हूँ, इसमें क्या बात है? और जीवन पर्यंत रहूंगा, अंतिम सांस तक रहूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा मगर महाराज सिंधिया को नहीं छोड़ूंगा। सिसोदिया ने कहा कि पी यादव ने जो भाषण दिया वह अत्यंत कष्टदायक है, जिसमें कहा गया था कि सिंधिया जी मेरा उपहास उड़ा रहे हैं, सिंधिया का कद बहुत बड़ा है, किंतु यदि स्वर्गीय रघुवीर सिंह यादव के पुत्र को यह मंजूर नहीं है कि कोई उनके पिता को श्रद्धांजलि देने आए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और 15 वर्षों में एक बार भी मुख्यमंत्री के रूप में अशोकनगर नहीं आए। क्या अशोकनगर की जनता मध्य प्रदेश में नहीं आती? 15 साल में उन्होंने यहाँ की जनता को ठगने का काम किया है, मैं इस बात की निंदा करता हूं। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें अशोकनगर लाया जाएगा।
शेड्यूल जिला चिकित्सालय में 12 घंटे में 6 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आ रही है। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने मंत्री कमलेश्वर पटेल भी अस्पताल का जायजा लेने के लिए शहडोल जिला अस्पताल पहुंचे। हालांकि जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजन उनको नहीं मिले, लेकिन उन्होंने शहडोल जिला अस्पताल में CMHO डॉक्टर राजेश पांडे तथा अन्य स्टाफ से बात कर स्थिति का जायजा लिया। हमने जिला चिकित्सालय का विजिट भी किया है, वहाँ पे जाके कई परिजनों से भी चर्चा की है। जो इनकी मृत्यु हुई है उनके परिजन तो नहीं थे, और भी जो हॉस्पिटल्स में एडमिट थे उनसे भी चर्चा की है। जिला के कलेक्टर और संभागीय आयुक्त से भी चर्चा की है, वहाँ के सिविल सर्जन CMHO डॉक्टरों से भी चर्चा की है, और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो उसके लिए भी निर्देशित किया है। जो कमियां समझ में आई साफ सफाई से लेके वो भी निर्देशित किया। कमिश्नर साहब को बोला भी है हमने कि कमेटी बना के अधिकारियों के और इसकी जांच कराइए, और अगर इसमें कोई भी गलती हुई हो, कोई लापरवाही हुई हो, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार, आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी गंभीर हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में व्यवस्थाओं को ठीक करने का काम कर रहे हैं। बच्चों की मौत की खबर लगते ही सुबह 10 बजे अपर कलेक्टर एवं जिला पंचायत CEO पार्थ जायसवाल भी अस्पताल पहुंचे। लगभग 1 घंटे तक वे SNCU में रहे और CMHO तथा SNCU प्रभारी डॉक्टर सुनील हथगेल से पूरी स्थिति का जायजा लेते रहे। जिन बच्चों की मौत हुई है उसमें खरला गांव की चेत कुमारी, भटगांव की फूलमती सिंह, परमनिया निवासी सूरज बैगा, कोटमा गांव की अंजलि बैगा तथा हर्रा टोला की सुभाष बैगा के नाम शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तुलसी सिलावट ने शहडोल और सतना में बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जांच के आदेश जारी किए। शहडोल के जिला अस्पताल में 6 बच्चों की मौत के मामले में CM कमलनाथ ने तुरंत इसे संज्ञान में लिया और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को इस मामले को तुरंत देखने को कहा। इधर दूसरी ओर सतना जिले के नया गांव पंचायत के कोनेता आंगनबाड़ी केंद्र में पेटाबेलेंट के टीकाकरण के 48 घंटे बाद 7 में से 2 मासूमों की मौत हो गई। कलेक्टर SP व स्वास्थ्य विभाग की टीम सभापुर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। दोनों मासूमों की प्रारंभिक PM रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मासूमों की मौत टीकाकरण से नहीं बल्कि सांस की नली में दूध के थक्के जमने से हुई है। कलेक्टर ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवारों का आरोप है कि दोनों बच्चों की मौत टीकाकरण से हुई है। CMHO ने संबंधित के खिलाफ सभापुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। 2 बच्चों की मौत से गांव में शोक का माहौल छा गया है। जिला अस्पताल शहडोल में जिसको क्लब करके 6 बच्चों का कहा जा रहा है, ये ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली SNCU में वो 2 बच्चे हैं जो लंबे समय से भर्ती थे। SNCU में 2 बच्चे थे, एक 30/12/19 से और एक बच्चा 8 जनवरी से। 8 जनवरी वाला बच्चा जयसिंह नगर ब्लॉक में पैदा हुआ था और वहाँ से अति कम वजन और स्थिति गंभीर होने के कारण वहाँ से क्रिटिकल केयर के लिए यहाँ भेजा गया था। वो वेंटिलेटर पर था 8 जनवरी से, और उसकी मृत्यु भी इत्तेफाकन कल ही हुई है। और जो बच्चा 30 दिसंबर को जो जिला अस्पताल शहडोल में ही जन्म लिया था, वो भी तब से श्वास की समस्या के कारण गंभीर स्थिति में था और उसकी भी मृत्यु कल हुई है। और बाकी के जो 4 बच्चों की बात है, 2 बच्चे पीकू में PICU कहलाता है बच्चों का इंटेंसिव केयर यूनिट, और 2 बच्चे पीडियाट्रिक वार्ड में, इस तरह से डेथ्स हुई हैं। तो 2 बच्चों की, हाँ, इसमें से जो 3 बच्चे थे, 3 बच्चे निमोनिया से ग्रसित थे, और निमोनिया के लेट कॉम्प्लिकेशन जो सेप्टिसीमिया होता है, तो निमोनिया की लेट स्थिति में आने के कारण उनकी जो इलाज रत था, मतलब उपचार रत थे, और उपचार के दौरान ही उनकी मृत्यु हुई है। छतरपुर के नौगांव में मेलावी के समापन कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को MP से राज्यसभा सांसद बनाए जाने को लेकर कहा कि वे सब बड़े
फैसले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी करती हैं और वो सोनिया गांधी के फैसले का समर्थन करते हैं। एमपी के राज्यसभा सीट के लिए कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को भेजे जाने का कांग्रेस हाईकमान पर दबाव बढ़ता जा रहा है। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार के शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने का समर्थन किया था। चाचौड़ा से कांग्रेस विधायक लक्ष्मण सिंह ने कमलनाथ सरकार से नाराज होने के लेकर जयवर्धन सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी सीए का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही ट्वीट किया था कि अब सीए के मुद्दे को छोड़कर विकास की बात करनी चाहिए। मैंने लक्ष्मण सिंह जी जो मेरे काका हैं उनका मैंने बयान पढ़ा है, उनने कहीं भी सीए का समर्थन नहीं किया है। ट्वीट किया है, ट्वीट ने बस ट्वीट में ये कहा है कि इसको ख़त्म करो, इस ये मामला है, अब इसकी चर्चा ज़्यादा ना हो और दूसरी जो विकास की बात है वो की जाए, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी इसका समर्थन नहीं किया है। सीए के समर्थन में निकाली गई रैली में आरएसएस की सभी इकाइयों के लोगों ने भाग लिया। रैली में पूर्व मंत्री ललिता यादव सहित बीजेपी नेता और स्थानीय व्यापारी संगठन शामिल हुए। सीए के समर्थन में निकाली गई यह रैली मेला ग्राउंड से शुरू हुई और मुख्य बाजार होते हुए बस स्टैंड पर समाप्त हो गई। इस रैली में शामिल लोग भारत माता की फोटो और तिरंगे को अपने हाथ में लिए हुए थे। बस स्टैंड पर आयोजित सभा को जहां आरएसएस नेताओं ने संबोधित कर लोगों को सीए के बारे में बताया और विपक्ष के नेताओं से सावधान रहने की बात कही। ये रैली जो निकाली गई है हमारी संसद सर्वोच्च है जो उनके द्वारा जो सीए के संबंध में अध्यादेश जारी किया गया है उस सभी का हिंदू समाज ने और इस नगर के नागरिकों ने समर्थन किया है और उसी के समर्थन में पूरा नगर पूरा जिला आज एकत्रित होकर के उतरा है, क्योंकि समाज में सीए के संबंध में अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, नाना प्रकार से अन्य समाज के लोगों को बहका करके और उनसे उपद्रव कराने का प्रयत्न किया जा रहा है। इसीलिए यह रैली मात्र इसलिए निकाली गई है कि जो हमारे संसद ने कानून पारित किया है उस कानून का ये जिला भी समर्थन करता है। जयपुर नागरिक परिषद के द्वारा तत्काल में ये सीएए के समर्थन में नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में ये आज पदयात्रा निकाली गई है। इसका उद्देश्य केवल एक ही है, जो लोगों के मन में भ्रांतियाँ हैं उसको पूर्ण रूप से समाप्त करना एवं उनको सच्चाई बताना। यह किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है, यह लोगों को नागरिकता जो पाकिस्तान अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश में वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू समाज है जो वहाँ पे प्रताड़ित है उनके लिए इस देश में हमेशा उनके लिए द्वार खुले हुए हैं, इसके लिए यह कानून लाया गया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की सुप्रीमो अजीत जोगी ने भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अपने कोई भी वादे पूरे नहीं कर रही है, प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है, उसकी धान की खरीदी सही दाम में नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जब कार्य नहीं करना होता है तो वो कमेटी बना देते हैं। निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को लेकर राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जोगी ने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव कराकर कांग्रेस अपनी चाल में कामयाब हो गई। सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी कराने की बात कही थी, लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने यहां शराब मंडी बना दी है। सरकार गांव-गांव जाकर शराब बेच रही है, एक गांव में चार दुकानों में शराब बांटी जा रही है। ये सरकार जो मुद्दों पर बनी थी, जिस आशा और उम्मीद के साथ बनी थी, वो सब बातें पूरी नहीं कर पा रही है। इन्होंने कहा था हम पूरी शराबबंदी कर देंगे, यहाँ तो पूरी शराब मंडी खुल गई, गांव-गांव में सरकार खुद ही दारू बेच रही है और एक एक गांव में चार चार पांच पांच जगह से दारू मिल रहा है। इन्होंने कहा था प्रदेश में कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा और अगर रहेगा तो उसको माहवारी रोजगारी वेतन भत्ता देंगे, शायद संभवतः 2100 रुपये का इन्होंने वादा किया था, वो भी नहीं कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ी तकलीफ आजकल हो रही है वह यहाँ के किसानों को हो रही है, धान खरीदी को लेकर बोल तो जरूर दिया है कि 2500 में खरीदेंगे पर अभी वो 1815-1835 में खरीद रहे हैं,
और 2500 के लिए कमेटी बना दी। अजीत जोगी ने कहा कि सरकार का पैसे का प्रबंधन बिल्कुल नहीं है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों को भिखारी बना दिया गया है। सरकार कहती है कि एक खरीदी केंद्र से समिति धान खरीदेंगे, उससे ज्यादा खरीदी नहीं होगी। पैसे का प्रबंध ना होने के कारण सारे विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं। ना तो ठेकेदारों को कार्य के लिए पैसा दिया जा रहा है, ना ही अधिकारियों को। माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत नकली कपड़ा बेचने वालों पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने मारवाड़ी रोड पर बनी एक दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए नकली माल जब्त किया है। क्राइम ब्रांच ने 10 लाख करीब का नकली माल जब्त किया। बताया जा रहा है कि ये लोग नकली जीन्स में ब्रांडेड टैग लगाकर बेच रहे थे। यह दुकान 4 मंजिला इमारत में चलाई जा रही थी। क्राइम ब्रांच ने नकली माल को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। सिंगरौली में बरगवा पुलिस ने 5000 के इनामी आरोपी जिया राम बैगा को देवसर बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 2015 से फरार बताया जा रहा था। पुलिस अधीक्षक सिंगरौली के निर्देश पर बरगवा थाना प्रभारी को फरार आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए, जिसके बाद थाना प्रभारी ने टीम बनाकर आरोपी को बस स्टैंड से गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 2015 में आरोपी जिया राम ने अपने साथियों के साथ अखिलेश से ड्यूटी के दौरान लाठी डंडों से मारपीट की थी, जिसकी शिकायत अखिलेश ने थाने में की और तभी से आरोपी फरार था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। छतरपुर की बिजावर पुलिस ने 2 जगह छापामार कार्रवाई कर अवैध 130 लीटर कच्ची शराब जब्त कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों का पुलिस ने थाने से जुलूस निकालकर 20 सड़क पर पहले बुलवाया कि अवैध शराब बेचना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। फिर जब पुलिस का मन नहीं भरा तो पुलिस ने पहले उनसे उठक बैठक लगवाई और फिर उन्हें मुर्गा बनवाया। ये लोग लंबे समय से शराब की तस्करी से जुड़े हैं और इन्हें पुलिस कार्रवाई का कोई डर नहीं था। इन बदमाशों का खौफ खत्म हो इसीलिए पुलिस ने इनका जुलूस निकाला। कल 2 मामलों में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गई है। एक मामले में 60 लीटर और एक मामले में 70 लीटर शराब पकड़ी गई है। एक मामले में लकी खान को आरोपी बनाया गया है, 60 लीटर शराब उसके पास जब्त हुई है। एक मामले में 6 आरोपी एक जिनमें से 3 महाज में भाग गए थे, 3 को हमने गिरफ्तार किया है। इनके पास से 70 लीटर शराब पकड़ी है और एक मोटरसाइकिल। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।